और ध्यान रखना, धरती की कोई भी चीज बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए होती है। साहसी बनो। आपको दो लोग मना कर रहे हैं, बाहर है। अरे रे, मैं अपने प्रोफेशन से मोहब्बत नहीं करता तो उस दिन डर जाता। मेरे घर वाले कहते थे नहीं नहीं, लेकिन मेरे पूरे घर वाले पीछे से तैयार थे, कोई चिंता नहीं, घबराना नहीं साला। उस दिन मुझे इतना गर्व होता था यार, भारत की आजादी के टाइम पे तो अपन पता नहीं किधर थे नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्री की आजादी और इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए भगवान ने ये मौका दिया है, इसको गंवाऊंगा नहीं। मैंने जीवन में कभी भी मौका मिला ना, मैं गंवाया नहीं। जब जब इस इंडस्ट्री पे कभी बुरी निगाहें आएगी तो मेरा सीन आपको सबसे पहले मिलेगा, आजा निकाल दे गोली, कोई चिंता नहीं, मेरी इंडस्ट्री को खतरा नहीं आने दूंगा, प्राण लगा दूं चाहे, आनंद ले वो जीवन के हर परिस्थिति में। इसे बोलते हैं करेज, और इसे बताने के लिए चाहिए 256 इंच का सीना। चाहिए कि नहीं चाहिए? ये वो ही महसूस करेगा आप में से जिस दिन गुजर के आएगा और फिर कहेगा आनंद आता है। हर चीज जिंदगी में जो होती है ना, एक दिन ब्याज सहित पैसा देगी, तब जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो कोई भी चीज आपको रिजल्ट बंद हो जाएंगे, सेलिंग बंद हो जाएगी। वो दौर आते हैं कि विशेष दौर आया और मास्क बिक रहे हैं, विशेष दौर आया और सैनिटाइजर के बिजनेस करने वाले लोग अरबों खरबों कमा लिए। इनके समय आते हैं, इनके एड करने वालों के टाइम आते हैं, और एक दिन ये चले जाते हैं। लेकिन जिस सेलिंग में माउथ पब्लिसिटी होती है, दुनिया कहती है ये कर रहे भाई, कचोरी रावत की खाना भाई, अरे भाई मिठाई एलएमबी की लेके आना भाई। जब कोई चीज लोग कहने लगे, जनता ही कहने लगे, लोग कहने लगे कि अरे भाई ये करो ये करो ये करो ये करो, तो दुनिया में वो काम परमानेंट बिकता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों को यकीन है 25 बरस बाद भी लोग दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर आज भी मराठा मंदिर मुंबई में देखने जाते हैं, यकीन है? अभी हम लोग मुंबई के टूर पे थे, आज भी DDLJ लगी हुई है। विज्ञापन आता है? विज्ञापन नहीं आता। DDLJ का विज्ञापन नहीं आता। कुछ चीजों के विज्ञापन नहीं आते परमानेंट और फॉरएवर। तो दुनिया में जो चीज अगर चिर स्थाई बनानी है तो उसका पहला गुण वो माउथ पब्लिसिटी से बिकनी चाहिए।